मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत से फैसला हुए बिना राम मंदिर पर सरकार कोई कदम नहीं उठाने जा रही है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दी है। पहली बार इतनी साफ गोई से अयोध्या मसले पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद अदालत के फैसले के पहले ही राम मंदिर पर अध्यादेश जैसे कदमों का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है। और राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम, नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान इस मायने में अहम है कि अभी कुछ ही दिनों पहले गुजरात के राजकोट में संतों की एक सभा हुई थी जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संत मई 2019 से पहले राम मंदिर बनते देखना चाहते हैं। इस सभा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। हमने तो हमारी मांग रखी है, कानून बनाने की बात रखी है, बस और कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि कोई भी अध्यादेश नहीं आएगा इस मामले में जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी हो। देखेंगे, संगठन ने कहा था लड़ेंगे नहीं अड़ेंगे, अभी अड़क के बैठे ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में राम मंदिर पर जल्दबाजी ना करने के संकेत दिए। हालांकि राम मंदिर पर हो रही देरी पर उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार जरूर ठहराया है। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूँ, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूँ कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें। और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। अयोध्या मसले पर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच इस सुनवाई में नई बेंच बनाने पर और सुनवाई कैसे हो इसका फैसला कर सकती है। बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर रोजाना सुनवाई के आदेश देने की उम्मीद कर रही है।